बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और मज़े में होंगे। अगेन से हाजिर हो गए छोटी सी वीडियो के साथ, और छोटी सी नहीं सॉरी बड़ी सारी वीडियो। और जैसे कि आपको पता है कि वीडियो कोई भी बनाता हूँ तो जिसकी चीज़ का मुझे कन्फर्म होता है, जिस स्किल का मुझे पता होता है, एक्सपीरियंसड होता है, हुआ किया होता है ना, उस पर वीडियो बनती है। तो ये वीडियो अर्निंग के रिलेटेड और बहुत ही ईजी अर्निंग के रिलेटेड है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो, अगर तो समझना है सीखना तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, तब आपको समझ आएगी। अदरवाइज वो कहते हैं ना पल्ले कख नहीं पैना, तो वो नहीं होगा, ठीक है। कई अब वेबसाइट्स जो होती हैं वो स्किल बेस्ड होती हैं और बहुत हैवी स्किल बेस्ड होती हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट का, तो उसमें स्किल्स चाहिए। तो कई लोग पूछते हैं सर स्किल के बगैर तो काम हो, बस डेटा एंट्री का कॉपी पेस्ट काम हो, कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट काम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट भी नहीं बल्कि जस्ट शायद क्लिक्स काम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन कन्फर्मेशन है कि इसमें आपको अर्निंग होगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें काम अभी किया है, मैंने पहले, मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं इसके अंदर मैं ज्वाइन हुआ हूँ, इसको मैंने देखा है, मैंने इसमें काम किया, इसमें अर्निंग की है, अर्निंग करके मैंने विड्रा किया है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता ऐसी चीज़ के ऊपर खासकर। तो ये जो चीज़ है, एक एप्लीकेशन वेबसाइट है ऐप वर्क, ठीक है, appwork.org वेबसाइट का नाम है, सारा आपको दिखाऊंगा इसका प्रोसीजर साइनअप करने का, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको जो है विड्रा करने का प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा कि इसमें विड्रा किस तरह से लेना है, ठीक है। और काम कुछ नहीं है, ऐसे कह लें घंटे डेढ़ का काम है एक दफ़ा का, और उसके बाद आपको उसके जो है आपकी फ़ायदा हो जाता है, अर्निंग मिल जाती है। तो चलें ज़रा मैं इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ सारा स्किल के ऊपर कि ऐप वर्क है क्या, ऐप वर्क के ऊपर आपने काम किस तरह से करना है, उसके ऊपर रजिस्टर किस तरह से करना है। वीडियो पूरी देख रहा हूँ, बार बार ये बात करता हूँ यार, वीडियो पूरी देखोगे तो फ़ायदा होगा, और इसमें जो चीज़ें हैं सारी, इसमें आपको क्या क्या चीज़ इन्वेस्ट करनी पड़ती है, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट सही होना चाहिए, ये चीज़ें तो मस्ट हैं, इसके बगैर नहीं होगा। और चैनल वाला मैं फिर भूल जाता हूँ यार, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, ठीक है। तो चलिए अगर आपको लेके जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप की, और वहाँ आपको इसका साइनअप का तरीका, ये वेबसाइट कौन सी है अपनी, मैं आपको आईडी का दिखाता हूँ, आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि इसमें अर्निंग आती है, निकालते किस तरह से, इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। तो चलें ज़रा स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से निकालना है। जी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो यहाँ पर करना क्या है हमने, मैं आपको उस वेबसाइट का बताने जा रहा हूँ। वेबसाइट क्या है जी, app-work.org, वेबसाइट का नाम है app-work.org, इसको हमने किया इंटर। इंटर करने के बाद जी ये एप्लीकेशन खुल गई है। अब एप्लीकेशन मज़े की है, सॉरी एप्लीकेशन कह रहा हूँ वेबसाइट, वेबसाइट मज़े की भी है, वेबसाइट बहुत कारामद भी है। वेबसाइट रजिस्टर करने के बाद आप जब काम करते हो तो आपको बेनिफिट भी होगा। पहले मैंने कहा था वीडियो पूरी देखना, वीडियो पूरी देखने का मकसद आपको प्रॉपर हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये थोड़ा सा बता दें, इजी स्टेप है कि हाउ कैन आई स्टार्ट अर्निंग, उन्होंने बताया यू नीड टू पब्लिश द ऐप, इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, उर्दू में ही सारा आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी आपने सिर्फ पब्लिश करनी है ऐप, ठीक है, और लगता है अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, इसमें कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर ही नहीं है। क्या करना है, कंप्यूटर हो, आपको पता हो कि स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं, 18 साल से बड़े हों, और परफेक्ट फिट हो, आप परफेक्ट फिट हो इस काम के लिए। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, कोई स्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने जानते हो, ठीक है। अच्छा, इट टेक्स लेस देन एन आवर टू पब्लिश ऑन ऐप, सिर्फ 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है पब्लिश करने में एक एप्लीकेशन, क्योंकि डाटा सारा उन्होंने प्रोवाइड करना है, आपने सिर्फ गूगल कंसोल को जो है यूज़ करना है, और उस पर एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश करनी है, ठीक है। साउंड ग्रेट, व्हाट आई नीड टू डू, अब करना क्या है, एक चीज़ ख्याल रखना कि इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, ये तसल्ली मेरी, क्योंकि मैंने खुद काम किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रजिस्टर, आफ्टर दैट यू कैन टेक पब्लिशिंग टास्क, पहले रजिस्टर करो, उसके बाद जो है पब्लिश करना शुरू कर दो। हाउ मच आई कैन अर्निंग, यहाँ पे आप एस्टीमेट कर सकते हैं, यहाँ पे जी अगर क्वांटिटी ऑफ ऐप्स, 2 ऐप्स अगर हम करते हैं तो उसके कितने हैं, 3 ऐप्स हैं उसके कितने हैं, 4 ऐप्स के कितने हैं, और उसके अलावा जो रिवार्ड डेली का मिलता है उसका क्या सीन होता है, या आपको उसका अपडेट लगाने पर अपडेट भी वही देते हैं तो उसका क्या हिसाब होगा, ठीक है। $15 तो कहते हैं जी आपका पब्लिकेशन का आएगा, अगर आपने अपडेट जो वीकली अपडेट आती है उसका $10 आएंगे, और फाइंडिंग एन ऐप ऑन गूगल प्ले रिवार्ड फॉर, अगर कोई फाइंड करता है तो उसको 10 सेंट आते हैं, लेकिन ये 15 देते हैं, यहाँ कम लिखा हुआ है। और कंपनसेशन ऑफ डेवलपर अकाउंट फीस 1 टाइम पे, ये $25 आपके लगेंगे, ये जहन में रखना, ये लगेंगे लेकिन ये आपको मिलेंगे।
अब मैं पहले आपको यहीं से, क्योंकि कई लोग यहाँ से बार्गेनिंग करेंगे जी हमें यहाँ पर तो पैसे लगाने पड़ रहे हैं, मैं यहाँ से आपको अपना ज़रा दिखा दूँ अपना जो डैशबोर्ड है। अच्छा, एक तो ये प्रोमो कोड है, जब आप करेंगे मेरा प्रोमो कोड लाजमी लगाएंगे, ये ख्याल रखना, उससे आपको भी बेनिफिट होगा मुझे भी होगा, ठीक है। अच्छा, टास्क, ये पब्लिकेशन टास्क हैं, यहाँ पे मैंने टास्क कंप्लीट किया, अकाउंट पहले बनाया है मैंने डेवलपर अकाउंट, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, गूगल कंसोल का जो होता है, और ये रियल चीज़ है, ये तो गूगल पे आपने गूगल को पे करना है, गूगल को पे करके आप कंसोल ले लेते हो, ये लाइफ टाइम होता है $25 जो आपने पे करना है, और उसके बाद आपको जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए आप इस पर ऐप्स डाल सकते हो, आप किसी और की ऐप्स डाल सकते हो, उनसे चार्ज करके पैसे चार्ज करो और अपने कंसोल पे उनको यानी गूगल प्ले पे अपलोड करने के लिए इसकी हमें ख़रीदनी पड़ती है एक्सेस। तो ये मैंने गूगल प्ले कंसोल इनके कहने पे ख़रीद लिया, मैंने $25 इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, ये इन्वेस्ट किए, लेकिन इन्होंने मुझे वापस भी किया, ये मैंने ऐप पब्लिश की थी $15.38 इन्होंने मुझे दिए, अब ये एक नया मैंने टास्क अभी कल ही कम्प्लीट किया, उसके $10 जो हैं ये मेरे अकाउंट में होल्डिंग पे पड़े हैं। मैं आपको विड्रॉ फंड्स में दिखा दूं, ये एक्टिव फंड्स जो $169 मेरे पास पड़ा है, लेकिन मिनिमम आप $10 निकाल सकते हो पेटीएम में, अगर आप इंडिया से तो निकालोगे, या आपके पास कोई एक्सेस है तो, नहीं तो USDT में आप निकालोगे, ट्रॉन 20 में, TRC 20 ट्रॉन के अंदर USDT, क्रिप्टो में बाइनांस और कॉइन बेस में हम निकाल सकते हो, मैंने बाइनांस में निकाले हैं, ठीक है। होल्डिंग पे 10 पड़े हैं, जो भी दूसरा टास्क मैंने किया, ये मेरे हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ, के हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट इसमें 26 या 15 उन्होंने मुझे दिया कंपनसेशन फॉर गूगल कंसोल, जो मैंने $25 लगाए थे गूगल वालों के दिए थे, इन्होंने मुझे वापस किए हैं। एक चीज़, 15.78 जो मैंने ऐप पब्लिश की थी उसके थर्ड एक दिन के इन्होंने मुझे 0.15 यानी कि 15 सेंट, ठीक है, ये मुझे दिए हैं इस एप्लीकेशन के लाइव रहने पे, लेकिन अभी वो लाइव नहीं खड़ी, अभी अपडेट में ये आपको मैंने दिखा दिया ये अपडेट के लिए, और इसी को मैंने अपडेट किया यहाँ पे जो उन्होंने नया टास्क दिया था, ठीक है। ये मेरे पास आए थे 41.69 बन गए थे, तो मैंने जो निकाले हैं 7 तारीख को 6 महीने में, आज ही आप मेरी डेट देख सकते हैं, ये 6/11 तारीख हो गई है, रात के 12:15 हो गए, यानी कि तीन दिन पहले मैंने ये विड्रा लिया, एक $10 पहले मैंने निकाल के चेक किया भाई वाकई ये रियल है कि नहीं है, सो ये रियल थी, $10 मेरे निकला, फिर मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे 8 तारीख को रात के टाइम था, सो पहले ये निकाले थे फिर 30 निकाले, तो ये मेरे अकाउंट में, आप ये अकाउंट पैसे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पैसे भेजिए देखो मेरे पास आएंगे, ये वाला अकाउंट आप थिएटर का जो है ट्रॉन TRC 20 का USDT का ये आप दे के चेक कर सकते हो। तो ये मेरे अर्निंग मेरे $40 निकल आए, अब ये 10 होल्डिंग में, जैसे ही ये होगी ये टास्क अप्रूव होगा ये अकाउंट भी, ये भी मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे और मैं इनको विड्रा कर सकूँगा, विड्राएबल है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, एक वीक में एक ही एप्लीकेशन होगी जिसको आप बनाओगे अपडेट करोगे, यानी कि तकरीबन आप कह लोगे आप $25 एक वीक के 1 घंटा 1.5 घंटा काम करके कमाओगे, काम भी 1.5 घंटा करना, उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब करना क्या है, रजिस्टर नाओ पे आप लोग आएंगे, रजिस्टर नाओ पे आने के बाद हमने यहाँ पे जस्ट अपना फ़ोन नंबर देना होता है, ठीक है। वीडियो पूरी देखना, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो वेरी सॉरी, आपको समझ नहीं आएगी प्रॉपर तरीके की, ठीक है ना, खुद ही पंगे नहीं लेने। अच्छा, ये मैंने कर दिया सेंड अगेन, ये मैंने साइन अप करने के लिए कोड भेज दिया, और ये कॉल आएगी, ठीक है, ये आपके फ़ोन पर कॉल आती है, और कॉल आने के बाद उसके आखिरी 4 इनसे जो हैं ये 3220 मेरे पास कॉल आ रही है मोबाइल पर, ठीक है, 3220 चेकिंग फ़ोन कन्फर्म्ड, ये मैंने कॉल काट दी, मेरे मोबाइल में आपको बेल भी सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अब नेम वगैरह देना है, वो मैं अब नेम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट बना हुआ है, सो मैं अकाउंट और बना रहा हूँ, tizrupchas@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करना है, अब मैंने 1 3 ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, यहाँ पे मैं प्रोमो कोड, ओह सॉरी ये क्या हो गया, पासवर्ड ज़रा गलत हो गया, हाँ अब मैच हो गया, ठीक है। अभी प्रोमो कोड की बारी है, सो मैं प्रोमो कोड ये लगाऊंगा और ये मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आप काइंडली ये लाजमी डालिएगा, ये मैंने बार बार MZWRSB
ये आपने प्रोमो कोड लाजमी लगाना है, ठीक है? ये जहन में रखना कि भाई मैं आपको कोई फ़ायदा दे रहा हूँ तो मुझे भी साथ साथ कुछ फ़ायदा दे देना, ठीक है? और आगे अगर किसी दोस्त को करवाते हो तो वो आप जहरी सी बात है आगे खुद का किसी का करवा लेंगे। यहाँ पे इंस्टा और ये यार इनमें से कोई ना कोई सोशल मीडिया जो है लाजमी एक आधा करना है अपनी वेरिफिकेशन के लिए, तो मुझे ये भी लगाना पड़ेगा। तो इसका मैं क्या करूँ, इसको मैं अभी कोई ना कोई जो है वो ज़रा लगाता हूँ, वेट करिए जी। हमने अपना फेसबुक कर लिया है लॉगिन, तो मैंने कहा अब जो है उसको अटैच कर लें क्योंकि अटैच लाजमी है करना। और ये हम अपने प्रोफाइल खोलेंगे, प्रोफाइल का लिंक जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमने पेस्ट किया और ये साइन अप, ठीक है? हम लोग इधर से सारी चीज़ें इसकी जो हैं वो डन कर दी हैं, अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद ये आपके सामने आ गया, 4.62 डॉलर होल्ड में है, जो इनका कह लो कहते हैं हमें देते हैं ना बोनस, सॉरी 30.37 होल्ड पे आ गया। ये होल्ड पे क्यों आया 4 डॉलर, तो वो 4.77 जो हैं 4.77 वो मिले प्रोमो कोड से, मेरे वाले प्रोमो कोड से जो मैंने अपना प्रोमो कोड लगाया था। सो मेरे प्रोमो कोड की वजह से इधर जो है आपको बोनस मिल गया इस नई आईडी पे। जब भी आप ये कोड लगाएंगे, मेरे वाला कोड, ये प्रोमो कोड मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाया था MZWRSB, लॉगिन करते वक्त आपने साइन अप करते वक्त ये कोड लाजमी देना है, देन जो है 4.77 वो आएगा और 26 समथिंग जो है वो आपको मिल गया दूसरी चीज़ का जो कंपनसेशन है, जो आप ये रजिस्टर्ड डेवलपर अकाउंट करेंगे, ठीक है? एक्सेस टू टास्क विल बी ओपन इमीडिएटली आफ्टर पासिंग ऑल रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। अब ये सिंपल सा तरीकेकार है कि आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है ना, लॉग इन योर गूगल अकाउंट, स्टार्ट वेरिफिकेशन, ये चीज़ें उधर साथ आपने दूसरी स्क्रीन पर करते जाना है। गूगल अकाउंट खोलेंगे, पे फॉर डेवलपर अकाउंट, वहाँ पे करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपना अकाउंट, अपनी जो जीमेल की आईडी है उसी से ही आप डायरेक्ट करते जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि आपका अकाउंट बन जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद आपको एक पब्लिश ऐप के जो ऑप्शन में वो आ जाएगा और आप ऐप पब्लिश करेंगे उसके आपको ये मिलेंगे, ठीक है? इसी तरह अपडेट का $10 मिलेगा और आपकी जो अर्निंग है वो आएगी और आप निकाल सकते हैं। अभी मेरा प्रोमो कोड लाने पे आपको 4.77 एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे जो आपका यहाँ पे फिलहाल होल्डिंग में है, और ये आपके उधर से कंप्लीट होने के बाद हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी जब ये होल्ड से आगे एक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है जी? तो ये अकाउंट तो बनाएं, अकाउंट बना के ये $25 एक दफ़ा पे करें गूगल कंसोल के, ठीक है? गूगल कंसोल के आप पे करके ये आपको साथ साथ बताएंगे हर चीज़, स्टार्ट वेरिफिकेशन करते हैं ये आपको स्क्रीनशॉट्स के जरिए हर चीज़ बताते जाएंगे। ये देखें ना, टू कंप्लीट टास्क गूगल चार्ज करता है, इनको नहीं आपने देने, आप गूगल को देंगे, ठीक है? गो टू गूगल प्ले कंसोल, यहाँ से आपको उन्होंने निकाल के दिखा दिया, गूगल खुल जाएगा, फिर हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप पे ये हमें बताएंगे कि हमने यहाँ पे लिखना क्या है, यूर सेल्फ, किस लिए बनाना है अकाउंट, गेट स्टार्टेड, ये स्क्रीनशॉट साथ साथ आपको अवेल होंगे, ठीक है? आप पब्लिक नेम, पुट योर पब्लिक नेम, पुट योर नेम, पुट योर ईमेल, कंट्री, पुट योर फ़ोन नंबर, ये गूगल में हम जाके यहाँ पे इनको देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे। और आप इनके प्रॉपर स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करके, पेमेंट करके, जो अपने डेबिट कार्ड से करें, किसी चीज़ से भी करें, वो करके आपने जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देने और एंड पे इनको स्क्रीनशॉट दे देना है। स्क्रीनशॉट देंगे पे करने के बाद तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, जब अकाउंट वेरीफाई होगा फिर आप ऐप पब्लिश करेंगे और आपको जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा मज़े का काम है और उम्मीद है कि इसमें आपको फ़ायदा भी होगा और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।